Hi. गुड मॉर्निंग, कैसे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग नए सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। आज से आपको इस चैनल पे क्लास 11th के लिए क्लासेस मिलने वाले हैं, और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपका पूरा सिलेबस पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कर दूं, और इसके बाद फिर जो है बाकी जो है आरडी शर्मा के तरफ हम लोग चलेंगे। तो एक एक करके सारे आपके लिए कंप्लीट कराने वाले हैं, लेकिन मैथ्स आपको यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे। बहुत दिनों से ये डिमांड आ रहा था, सर आप मैथ्स 11th के भी डाल दो, तो मैंने सोचा चलो अब डाल देते हैं। और आप लोगों ने सारे नए नए बच्चों का बहुत बहुत स्वागत, जो लोग अभी अभी 10th पास करके 11th में आए हैं। इस बार तो पास आप लोग बहुत ही आसानी से हो गए। एक्चुअली क्या हो गया कि विदाउट एग्ज़ाम के पास हुए हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को अजीब सा महसूस भी हो रहा होगा। एक्चुअली हम टीचरों को तो बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है। कारण क्या है कि जब आप एग्ज़ाम दिए बिना 11th में आए हैं, तो ऐसा महसूस मतलब कि लग रहा है पता नहीं कौन सा बच्चा किस मतलब कि किस लेवल का। ऐसे अब मार्क्स से तो हम लोगों को ये पता चलता था कि हाँ इसने अच्छा किया होगा, इसने ऐसे किया होगा, इसने वैसे किया होगा। तो चलिए बहुत ही बढ़िया, कोई बात नहीं, कैसे भी आए लेकिन आप मेहनत से आए हैं। पिछले साल आपने कितना मेहनत किया ये पता नहीं, लेकिन ये 2 साल अगर 11th और 12th अगर आप बहुत ही तरीके से मेहनत कर लेंगे, तो आपके जो भी टारगेट हैं आगे, आपने जो सोच रखा है उस चीज़ को जरूर हासिल कर लेंगे। चलिए गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग। तो क्लास को स्टार्ट कर ले क्या? चलिए बहुत ही अच्छा, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आज हम लोग करेंगे सेट क्लास 11th के लिए, ये क्लास है और फॉर न्यू सेशन स्टूडेंट्स जो इस बार के बच्चे हैं उनके लिए है। और यहाँ पर हम लोग चैप्टर 1 करने वाले हैं, सेट और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 होने वाला है, एक्सरसाइज 1.1 होने वाला है। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली क्वेश्चंस के द्वारा ही चैप्टर को समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है? तो क्वेश्चंस से हम लोग चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर है, सेट एनसीईआरटी बुक है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको देखना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। तो सेट किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोगों को सेट जानना पड़ेगा। सेट क्या होता है? ए सेट इज अ, पहले हम लोग जानते हैं सेट क्या होता है। तो ए सेट इज अ वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड यहां पे ऐसे हाइफन लगाना था, ये इसको काट दे रहा था, तो एल टी बन जाता है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है सेट? क्या होता है? ए सेट जो होता है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट का ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। जैसे मान के चलिए कि अगर मैं कहूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में सारे एक से लेकर के जो लास्ट तक मतलब कि इन्फिनाइट नंबर्स तक जो है जो भी नेचुरल नंबर्स हैं उसमें आ जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ मंथ्स, तो जनवरी से दिसंबर तक के सारे मंथ्स आ जाएंगे। उसी तरह से अगर मैं सेट कहूँ नेम ऑफ डेज, तो यहाँ पर क्या होगा, संडे टू सैटरडे सारे डेज इसमें आ जाने वाले हैं। इसी तरह से मतलब कि किसी भी चीज़ का वेल डिफाइंड अगर कलेक्शन होगा तो हम उसे कहेंगे सेट। तो यहाँ पर चलते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। अच्छा, जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स, तो जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स कौन कौन से हैं? जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स कौन कौन से हैं?
चलिए उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जे से स्टार्ट होने वाला मंथ, तो हम लोग पहले वाले का यहाँ पर लेते हैं सॉल्यूशन, फर्स्ट वाला। इस वाले को मैं यहाँ पर करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जे से स्टार्ट होने वाले लेटर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहले कौन कौन सा मंथ आएगा, जे से स्टार्ट होने वाला है जनवरी, द मंथ, द कलेक्शन ऑफ मंथ, ऑफ मंथ्स। यहाँ पे जस्टिफाई करने के लिए भी कह रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा लंबा लिखेंगे जस्टिफिकेशन, अदरवाइज कह देंगे ये सेट है, इट इज अ सेट। इसका आंसर ऐसे हो जाएगा, इट इज अ सेट। लेकिन कैसे हुआ उस चीज को तो डिफाइन करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये वाला द कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे आर। कौन कौन सा होगा पहले मैं इसको देख लेता हूं। यहां पर हो जाएगा जनवरी, फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, मई नहीं होगा, फिर आएगा जून, फिर आएगा यहां पर जून के बाद क्या होने वाला है जुलाई, फिर देखिए कोई और होता है क्या, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई सा भी मंथ नहीं आएगा। तो ये तीन मंथ अगर मैंने ये सेट बनाया, आप अगर सेट बनाएंगे तो क्या अलग होगा, क्या नहीं होगा, सेम होगा। तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज अ सेट। क्लियर हो गया, क्योंकि अगर मैं बनाऊंगा जनवरी, जून, जुलाई, तो आप भी बनाएंगे जनवरी, जून और जुलाई, आप भी इसके अलावा कुछ और नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये वेल डिफाइंड सेट हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। दूसरा क्या है ये वाला, यस, चलिए वेरी गुड, आकाश कह रहे हैं कि क्लियर हो गया, चलिए थैंक यू। अब चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाला देखते हैं, दूसरा वाला, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अच्छा 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन होने वाला है आपके नज़र में, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स जो होगा, हो सकता है कि वो आपके दोस्त के नज़र में ना हो, मेरे नज़र में ना हो, किसी और के नज़र में ना हो। अगर मैं 10 बच्चों को बोलूं कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के जो है नाम लिखिए, तो हो सकता है कि 10 के 10 बच्चे अलग अलग राइटर्स के नाम लिखें, है ना। किसी को फिजिक्स पसंद होगा तो फिजिक्स के राइटर्स का नाम लिख देगा, किसी को हिंदी पसंद होगा तो हिंदी के राइटर्स का नाम लिख देगा, किसी को इंग्लिश पसंद होगा इंग्लिश के राइटर्स का नाम लिख देगा, किसी को बायो पसंद होगा तो बायो के जो ऑथर्स होंगे उनके नाम लिख देगा, किसी को नॉवेल पसंद होगा तो नॉवेल्स के राइटर्स के नाम लिख देगा, है ना। तो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग पसंद होंगे और उनके हिसाब से क्या होगा कि अलग अलग व्यक्ति मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या नहीं। सो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, ठीक है। तो ये वाला क्या, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, सो इट इज नॉट अ सेट। दूसरे वाले का लिखेंगे, इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन, ठीक है, इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन, इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन, सो इट इज नॉट अ सेट। ये वाला सेट नहीं है यहां पे, इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट सेट। पता चल गया दूसरा वाला कैसे सेट नहीं है, यह हमें पता चल चुका है। चलिए अब तीसरे वाले की तरफ चलते हैं, तीसरा वाला लेते हैं।
तीसरे वाले के लिए मैंने तीसरा एक पेज भी ले रखा है, यहां पर लेते हैं तीसरा वाला। क्या हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इसमें हमने फर्स्ट और सेकंड कर लिया था, अब हम लोग थर्ड वाले पे थे। थर्ड वाला क्या है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। सेम कंडीशन यहां पर भी बन रहा है, सेम कंडीशन बन रहा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जैसा दूसरा वाला था वैसे ही तीसरा वाला है। ए टीम ऑफ 11 का बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, है ना, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। इट्स यहां पे हम इसका लिख सकते हैं थर्ड वाले का क्या चीज, इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन, सो इट इज नॉट अ सेट। ये वाला हो जाएगा नॉट अ सेट, नॉट अ सेट, ये वाला सेट नहीं होगा। ये भी था नॉट अ सेट, ये वाला था हमारा सेट, है ना, इट इज अ सेट। अब यहां पर चलिए, तो ये थर्ड वाला हो गया क्लियर, अब हम लोग फोर्थ वाले की तरफ चलते हैं। फोर्थ वाला, फोर्थ क्या है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यहां पर देखिएगा योर क्लास कह रहा है, यहां पे वर्ड यूज किया गया कि आपके क्लास में, आपके क्लास में, तो आपके क्लास के अगर बच्चों का सेट कोई भी बनाएगा, कोई भी बनाएगा, है ना, कोई भी बनाएगा, तो उन्हीं बच्चों के नाम लिखेगा ना जो आपके क्लास में है, जो आपके क्लास में। तो क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलिए मेरे क्लास में 20 बच्चे हैं, तो मैं बनाऊंगा तो वो 20 के 20 सेम हो जाएंगे, दूसरा कोई बच्चा बनाएगा सेम, है ना, तो वो भी 20 हो जाएगा सेम। अगर एक ही क्लास का बच्चा बना रहा है अपने क्लास का, तो वो क्या हो जाएगा, सबका सेट सेम बनने वाला है। हाँ, अगर ऐसा होता है कि अलग अलग स्कूल के बच्चे बना रहे हैं सेट, तो वो अलग अलग बनेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, सबके लिए अपना अपना क्लास का होगा ना भाई, तो सबके लिए अपने अपने क्लास का सेट क्या होगा, एक वेल डिफाइंड सेट होगा, है ना। सो यहां पे इट इज अ सेट, इट इज अ सेट बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, है ना, बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड क्या कहते हैं, है ना, ये क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, योर क्लास आ रहा है, इसलिए। हाँ, आकाश सिंह कह रहे हैं कैसे, चलिए कैसे का आंसर फिर से मैं बताता हूं। जैसे मान के चलिए कि ये मेरी क्लास है, ये मैं इस क्लास में पढ़ता हूं, क्लास 11th, और ये मेरा स्कूल है एबीसी स्कूल, एबीसी स्कूल, तो क्लास 11th एबीसी स्कूल। अब इसमें जो भी बच्चे होंगे, मान के चलते हैं एक राम है, एक मोहन है, एक सोहन है, अगर मैंने सेट बनाया, मैंने सेट बनाया तो राम मोहन सोहन लिखा, अगर राम सेट बनाएगा तो भी वही लिखेगा राम मोहन सोहन, मोहन भी बनाएगा तो राम मोहन सोहन, सोहन भी बनाएगा तो राम मोहन सोहन, सेम ही बनाएगा ना, सेम ही बनाएगा, या अलग अलग बनाएगा, अलग अलग नहीं होगा ना, अलग अलग नहीं होगा। अगर एक ही स्कूल के, एक ही क्लास के बच्चों का सेट पूछा जाए तो सेम होगा, यहाँ पे योर लिखा हुआ है, इसीलिए द कलेक्शन ऑफ बॉयज ऑफ 11th क्लास लिखा होता तो नहीं होता, फिर 11th क्लास के अलग अलग हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसे होगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, सबका ये वेल डिफाइंड सेट है, राम मोहन सोहन क्या है, ये अगर तीन ही बच्चे क्लास 11th में है तो ये क्लास मतलब कि इस वाले स्कूल एबीसी है, ध्यान दीजिएगा, और ये वाला मेरा क्लास है, योर क्लास मतलब आपका क्लास है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड सेट हो जाएगा। चलिए अब आगे पांचवे के तरफ चलते हैं। पांचवा ये वाला क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ठीक है जी, लेस देन 100, ये पांचवें वाले को देखते हैं। चौथा वाला मैंने यहीं पे कर लिया है, पांचवें वाले को देखते हैं और इस जगह पर करते हैं पांचवा। तो यहां पर मैं पांचवा करने वाला हूं, क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। चलिए इसका सेट बनाकर देखते हैं क्या हो जाने वाला है। यहां पर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3 ऐसे करते चले जाएगा, 4 डॉट 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 और ये चले जाएगा लेस देन 100 मतलब 99। अच्छा, मैंने ये सेट बनाया, कोई भी अदर व्यक्ति अगर बनाएगा, कोई दूसरा व्यक्ति बनाएगा, तो क्या होगा, ये सेम बनेगा या अलग बनाएगा, वो भी सेम बनाएगा। सो इट इज अ सेट, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ कलेक्शन, सो इट इज अ सेट।
यहां पे लिख देंगे, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज अ सेट। ये हो गया हमारा पांचवा कंप्लीट। अब अगर छठे की तरफ चलते हैं, छठा वाला ये वाला देखते हैं, तो ये वाला सेट हो गया, ये वाला सेट हो गया हमारा। अब यहां पे देखते हैं छठा, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अच्छा, प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए जो भी नॉवेल्स हैं, जो भी बुक्स हैं, उनके द्वारा लिखे हुए बुक्स, चलिए उन्होंने जितने भी लिखे हों, 10, 20, 50, 100, 200 जितने भी लिखे हों, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति उसका कलेक्शन करेगा, सारे बुक्स के नाम लिखेगा, तो क्या बुक्स के नाम अलग अलग हो सकते हैं क्या? जरा सोचिए, क्या बुक्स के नेम अलग अलग हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, बुक्स के नेम अलग अलग नहीं हो सकते, सबके बुक्स के नेम क्या हो जाएंगे? सेम ही हो जाएंगे। सो इट इज अ सेट, इट इज अ सेट, क्योंकि यह भी वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। यहां पे इसका कारण क्या लिख देंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन। अच्छा चलिए, अब इस वाले सेवेंथ के तरफ चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल इलेवन ऑल इवन इंटीजर, सॉरी ऑल इवन इंटीजर। अच्छा, इवन इंटीजर्स क्या होता है? ऑर्डर अलग हो सकते हैं, ऑर्डर ऑर्डर डजेंट मैटर, मैटर क्या है? उसके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मैटर करता है। जैसे मान के चलिए हमने एक सेट बनाया 2, 4 और यहां पे 6, दूसरा सेट बनाया हमने ऐसे 6 और यहाँ पे 2 और ये वाला 4, तो ये दोनों सेट बराबर होगा ना, दोनों में सेम एलिमेंट है, जो इसमें है वही वाला एलिमेंट इसमें है, तो सेम एलिमेंट है। ऑर्डर कुछ भी होगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ऑर्डर डजेंट मैटर, ऑर्डर डजेंट मैटर। तो यहां पर ये क्या होगा? ऑल कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2, तो ये भी हो जाएगा इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। क्यों होगा सेट? कारण आपको पता चल चुका है, क्योंकि ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि कोई भी अगर बनाएगा तो ऐसे बनाएगा 2, 4, 6, 8 और ऐसे 10 और डॉट डॉट डॉट, है ना, ऐसे अगर ये बनाएगा तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा। 2 क्या है? इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स का मैंने ये सेट बना लिया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे करके आप बनाएंगे, तो ये वाला चीज ऐसे हो जाएगा। अच्छा चलिए, अब एट्थ वाले की तरफ चलते हैं। एट्थ क्या होगा हमारे पास? द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अच्छा, इस वाले चैप्टर में जो बुक्स अभी जो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, ये वाला जो चैप्टर है सेट, ये चैप्टर इस वाले बुक का, ऑल दिस चैप्टर जिस बुक को अभी हम लोग बना रहे हैं, जिस वाले क्वेश्चंस को हम लोग बना रहे हैं, मतलब जिस बुक को बना रहे हैं, इस बुक के क्वेश्चनों का सेट अगर बनाया जाएगा, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, तो ये क्या हो जाएगा? ये सबके सेम आएंगे, सबके सेम आएंगे, चाहे वो मैं रहूं, आप रहे, या कोई भी व्यक्ति रहे, जो भी इस बुक का इस वाले चैप्टर को बनाएगा, मतलब जो भी इस बुक के इस वाले चैप्टर को देखेगा, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं? सेम होने वाले हैं, तो ये भी वेल डिफाइंड हो जाएगा। सो इट इज अ सेट, इट इज अ सेट, क्या हो गया? ये भी सेट हो जाएगा। अब ये देखिएगा लास्ट और ये वाला देखते हैं क्या है। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के खतरनाक खतरनाक जानवर, 10 खतरनाक जानवर। मैंने आपसे पूछ लिए, मान के चलिए कि मैंने आपसे कहा 10 खतरनाक जानवर, तो हो सकता है कि आप लिखें शेर, चीता, भालू, ठीक है, और मुझसे अगर लिखने के लिए कहा जाए तो मैं लिखूं छिपकली, स्नेक और लिजार्ड, मतलब इस तरह के मैं कुछ ऐसा चीज लिखूं ना, ऐसा, तो हो सकता है सबके लिए क्या है ना कि जो डेंजरस एनिमल है वो अलग अलग हो सकते हैं, है ना, सबके लिए क्या होगा? डेंजरस एनिमल अलग अलग हो सकता है। और जो लोग बाघों के साथ, शेरों के साथ खेलते हैं, उनके लिए वो डेंजरस नहीं है, और मुझे कुत्ते से भी डर लगता है, तो कुत्ता भी मेरे लिए डेंजरस हो गया, समझ रहे हैं ना बात को? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डेंजरस एनिमल का जो है ना डेफिनेशन प्रत्येक व्यक्ति के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। सो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो इस वाले का हम लोग नाइन्थ यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज नॉट अ सेट, इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन। कारण क्या हो गया? इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन, इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन।
समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? अगर क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर हो रहा है तो आप हमसे क्वेश्चन से, मैं आपके चैट को देख ही रहा हूँ, ठीक है, तो आप चैट बॉक्स में मैं लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आ चुका है, एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी चैप्टर है आपका सेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर, क्या कह रहा है? लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये सेट ए है, मतलब कि एक सेट है हमारे पास ए। और यहाँ पर अब देखिए, इस वाले को कहते हैं, इस वाले को जो पढ़ते हैं ये ऐसे, जो ऐसे करके लिखते हैं इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे इसको? इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। और ये ऐसे करके जो ये वाला ऐसे काट देते हैं, ऐसे जो काट देते हैं इसको कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या कहेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग टू। तो यहां पर ये दो बातें होती, बिलोंग्स टू मतलब उसका सदस्य है, मेंबर है, मतलब उसका एलिमेंट है, और अगर ये ई लिख करके हमने काट दिया तो एलिमेंट उसका नहीं है। दो ही बात होती है, एलिमेंट होगा या नहीं होगा। अब यहां पर पहले वाले को देखते हैं क्या कह रहा है, यहाँ पे 5, इसमें ढूंढिए 5 दिख रहा है क्या? है, तो यहाँ पे लगा देंगे ऐसे साइन, ठीक है। दूसरा यहां पर देखिए, इस वाले में 8, यहाँ पे 8 नहीं है, तो यहां पे ऐसे करके ऐसे काट देंगे, ठीक है। ये ऐसे करके आपको क्या कर लेना है, ऐसे काट देना है। इसके बाद देखिए, ये वाला 0 0 है, नहीं है, ऐसे कर लेना है, और ऐसे करके ये वाला ऐसे काट देना है। यहाँ पे 4 दिख रहा है 4, तो यहाँ पे ऐसे कर लेना है, ठीक है। बिलोंग्स टू 4, बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे 2 2 देखिए, 2 तो 2 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया बिलोंग्स टू। और यहाँ पे ये वाला 10, यहाँ पे 2 ये वाला हमने कर लिया, अब ये 10, तो यहाँ पे 10 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा कंप्लीट, सबसे इजी, सबसे आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स में एक आध आ जाते हैं आपके एग्जाम में, देख लीजिए, किसी बच्चे को डाउट्स है तो इसमें आप पूछ सकते हैं हमसे, जो भी लोग क्लास में है, और अगर उनको डाउट है तो आप हमसे इंस्टेंट पूछ सकते हैं, टेंशन नहीं लेना। चलिए ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, आगे की तरफ चलते हैं, मैं थोड़ा सा आपके चैट को देख लेता हूँ, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं। अब यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ये जो सेट है इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में आपको ये वाला सेट लिखना है। कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म क्या होता है पहले इस चीज को जानना जरूरी है ना, रोस्टर फॉर्म के लिए रोस्टर फॉर्म को जानना जरूरी कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है, फिर हम लोग कर सकते हैं इस चीज को आसानी से। तो देखिए, दो तरह का होता है सेट जब हम बनाते हैं, तो एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म दो अलग अलग चीज है ना। तो यहां पर क्या है कि ये वाला चीज जो लिखा हुआ है, ये वाला हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म, जिस चीज में ये लिखा हुआ है, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन, ये जो फॉर्मेट है, इस वाले फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको बनाना है हमें रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो यहां पर पहले वाले क्वेश्चंस को लेते हैं, फर्स्ट वाला यहां पर ले लेते हैं फर्स्ट। और देखिए क्या कह रहा है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3, और ये दे रखा है लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन 7। ये -3 से -7 तक, तो यहां पर मैं इसको बनाता हूं, तो ए हमारे पास ऐसे हो जाएगा, ए इसको हम लोग बना लेंगे, तो ए इक्वल टू ऐसे और ये ऐसे। अब इसके बीच का नंबर आपको लिख देना है -3, -3 से लेना है आपको, क्या करना है -3, यहाँ पे इक्वल टू भी दे रखा है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाला -3 पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा -2, फिर यहाँ हो जाएगा -1, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 1 2
फोर फाइव और ये वाला यहां सिक्स, सेवन नहीं लिखना है हमें, सेवन नहीं लिखना है, सेवन नहीं लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास जो सेट बन के आ गया ये वाला आ गया है ना, ये हमारा सेट बन के आ गया और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें करने के लिए कह रहा था, सॉरी रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा था, हमने ये बना लिया। इस वाले को देखा, यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो ये वाला लिखेंगे, इसके नीचे ये वाला लिखेंगे, बस हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन, नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे बी और यहाँ पे एस है, और नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है जी, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वन से, तो वन टू थ्री लेस देन सिक्स, तो एलिमेंट्स हम इसके निकालते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे, वन हो जाएगा, फिर ये वाला टू हो जाएगा, फिर ये थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फाइव हो जाएगा और ये हो जाएगा सिक्स, नहीं लेना है सिक्स नहीं लेना है, कारण क्या है कि लेस देन सिक्स लिखा हुआ है, लेस देन सिक्स लिखा हुआ है, तो सो हम लोग सिक्स नहीं लेंगे। ये हो गया हमारा दूसरे वाले का आंसर, है ना, लेस देन सिक्स, ए नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, तो लेस देन सिक्स एलिमेंट इसके क्या क्या आएंगे, वन से फाइव तक ही आएगा ना, वन से फाइव तक ही आएगा, क्योंकि लेस देन सिक्स कह रहा है, और वन से नीचे वाले जो नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते, जीरो ले लिया तो वो होल हो जाएगा, माइनस वन टू थ्री ले लिया तो वो इंटीजर्स हो जाएंगे, वो नेचुरल नहीं कहलाएंगे, तो हम उनको नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा वाला। अब हम लोग तीसरे वाले की तरफ चलते हैं, तो तीसरा वाला क्या हो जाने वाला है देखते हैं, थर्ड वाला यहां पे लेते हैं, थर्ड क्या कह रहा है, सी, सी यहां पर लिख लेते हैं इक्वल टू ऐसे और ये वाला, अब इसके देखिए क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज टू डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज एट, सम ऑफ डिजिट एट होना चाहिए, मतलब कि जैसे मान के चलते हैं कि पहला हमने लिया टू और दूसरा टू से स्टार्ट नहीं करते, जैसे हम लोग पहले लेते हैं वन, पहला डिजिट हमने वन लिया तो दूसरा डिजिट हम क्या ले लें कि वो एट हो जाए, तो वन प्लस सेवन, देखिए वन प्लस सेवन इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, एट हो जाने वाला है ना, इस तरह का नंबर आपको फाइंड करना है और वो दो डिजिट में फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ, सबसे पहला तो हमारा सेवनटीन ही निकल के आ गया, फिर दूसरा अगर हम चलते हैं तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास 26 हो जाएगा, फिर तीसरा वाला नंबर देखेंगे तो ये 35 हो जाएगा, है ना, ये अगर जोड़ के देखिएगा ये सारे नंबर क्या हो जाने वाले हैं, ऐसे हो जाने वाले हैं, 35 के बाद अगर आप देखेंगे 35 के बाद ये हो जाएगा 44 हो जाएगा, 44 के बाद ये 53 हो जाएगा, 53 के बाद क्या हो जाएगा, 53 के बाद 62 हो जाएगा, 62 के बाद कौन सा नंबर आने वाला है, 71 हो जाने वाला है, और एक लास्ट नंबर मिलने वाला आपका 80। इसके आगे का नंबर अगर आप कुछ भी लेने की कोशिश करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 8 से ज़्यादा हो जाएगा प्लस करने के बाद, तो ये वाला हो गया हमारा राइट आंसर, है ना, ये हो गया हमारा राइट आंसर। थर्ड वाला हमने कर लिया कंप्लीट, तो 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80 क्या हो जा रहा है, ये हमारा आ जा रहा है इसमें, है ना, 71 हमने यहाँ पर लिख लिया है, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। तो हमने ये पहला दूसरा और तीसरा ये तीन कर लिया, अब एक और लेने की कोशिश करते हैं, यहीं पर नहीं, अब इस वाले पेज में नहीं आएगा, तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं दूसरे वाले पेज की तरफ, और यहाँ क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पर हमने ले रखा है सेम आपके लिए। तो हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड पहले प्रीवियस पे स्लाइड में कर लिया था, अब हम लोग यहाँ पर फोर्थ करने वाले हैं, फोर्थ क्या है, यहाँ पर डी लेना है आपको, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे लेते हैं, अब यहाँ पे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, 60 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर चाहिए आपको, तो पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऐसे 60 ले लूँगा और इसको डिवाइड कर, इसका प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लूँगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 30, ये हो गया 2, यहाँ पे हो गया ये वाला 15, ये वाला हो गया 2 नहीं होगा, अब ये 3 होगा और ये वाला 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है हमारे पास 2 2 3 5, ये हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आपको पता है, रोस्टर फॉर्म में किसी भी एलिमेंट को एलिमेंट रिपीट नहीं करते, एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आएगा ये वाला 2 और ये वाला 3 और ये वाला हो जाएगा 5, तो ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हो गया आंसर। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, दो डिजिट अगर दो एलिमेंट सेम होता है तो उसको एक ही बार लिखते हैं, उसको रिपीट नहीं करते हैं, उसको रिपीट नहीं करते, ये वाला चीज माइंड में आप फिट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद ये पांचवें वाले क्वेश्चन में ना यही वाला चीज आपको यूज करना है। तो ई यहाँ पे हो जाने वाला है, ऐसे लेंगे और यहाँ पे आपको देखिए क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री में देखिए हम लोग कौन कौन सा लेटर आने वाला है,
तो यहाँ पे कौन कौन सा रिपीट हो रहा है उनको हम लोग नहीं लेंगे, एक ही ए लेंगे, ये वाला ओ एक बार ही लेना है। टी आर 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 क्या करना है, एक ही बार लेना है, ये आर एक ही बार लेना है हमें, ये आर। और कौन सा है, ये वाला टी भी हमें एक ही बार लेना है, ये वाला टी भी एक ही बार लेना है। तो यहाँ पर चलिए हमने पहले यहाँ ऐसे कर लिया, निशान लगा लिया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं कौन कौन सा आने वाला है। तो यहाँ पे पहले आएगा टी आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर दूसरा वाला आर भी आ जाएगा, ये हमने आर भी ले लिया, फिर तीसरा वाला आई भी ले लेंगे, आई भी ले लेंगे, चौथा वाला जी भी ले लेंगे, पांचवा ओ भी ले लेंगे, और इसके बाद एन भी ले लेंगे। अभी तक कोई रिपीटेड वर्ड नहीं आ रहा है, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ ओ रिपीट हो रहा है, नहीं लेना है। एम ले लेंगे इसके बाद, एम ले लेंगे, एम ले लेंगे, फिर यहाँ पे ई भी ले लेंगे, ई ले लेंगे ऐसे, और इसके बाद आर तो रिपीट हो रहा है, टी भी रिपीट हो रहा है, तो लास्ट वाला वाई ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा ऐसे, है ना, ये वाला चीज ऐसे लिखेंगे, टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, ट्रिगोनमी, ऐसे कुछ बन रहा है, जो भी बन रहा है। तो ये रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होता है, तो इसीलिए यहां पर हम लोग ऐसा लिखेंगे। समझ में आ गया, जो रिपीटेड था उसको हमने हटा लिया, जो रिपीटेड था वो हटा लिया। लास्ट वाला चलते हैं, सिक्स्थ, सिक्स्थ हमारा, ये फिफ्थ कंप्लीट हो चुका है, सिक्स्थ देखते हैं। एफ, एफ क्या करना है हमें, एफ और ये वाला ऐसे ले लेंगे, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। इसी तरह से यहाँ पर बी देखिएगा, ये वाला बी आ जाएगा, फिर ये वाला ई आ जाएगा, फिर ये वाला टी आ जाएगा, टी रिपीट हो रहा है नहीं लेंगे, ई रिपीट हो रहा है नहीं लेंगे, और यहाँ पे आर रिपीट नहीं हो रहा है तो आर ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर थ्री हमने कर लिया कंप्लीट। कहीं अगर डाउट है तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री हमने कर लिया जी कंप्लीट। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री, तो आप इसको नोट कर चुके होंगे मुझे उम्मीद है, नहीं किया तो पॉज करके आप नोट कर लें, ऐसे तो आप मेरे साथ साथ बनाते रहें। आपका भी सेम आया, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, सेम आना भी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अच्छा ये वाला तो वही है, क्वेश्चन नंबर थ्री हमने तीन पे शायद ले लिया था, यहां से चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास आ चुका है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अभी ठीक उसका अपोजिट करना है, तो यहां से पहले वाले को देखते हैं। पहला वाला हमारे पास क्या है, यहां पे देखिए ये हमारे पास दे रखा है ऐसे, 3, 6, 9, ये वाला ऐसे ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट यहां पे गलत लगा हुआ है, ये ब्रैकेट ऐसे होना चाहिए। और ये वाला 12। अच्छा इस वाले की प्रॉपर्टी पता कीजिए, पहले क्या है, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, तो ये दो तरह का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। एक तो क्या कर रहा है कि 3 इसके बाद 6, 3, 2 जा 6, 3, 3 जा 9, मतलब कि ये 3 × n के रूप में आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इक्वल टू अगर मैं लिखूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ये देखिएगा x सच दैट x इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं ले लूँ ये वाला 3 n, ठीक है, कॉमा, वेयर एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लिखना जरूरी है, एन बिलोंग्स टू, ये जो हमने एन लिया ये एन क्या है, ये नेचुरल नंबर है, एंड एंड एंड। अब यहाँ पर देखते हैं एन क्या होने वाला है, ये जो होने वाला है एन, एन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे हो जाएगा, ये देखते हैं कहाँ तक जा रहा है, ये हो गया। इस वाले को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1, इस वाले को सॉल्व करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 3 × 2, इस वाले को सॉल्व करेंगे तो 3 × 3, और इस वाले को सॉल्व करेंगे तो 3 × 4 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा 1, 2, 3, 4 तक जा रहा है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे 4। ये हो गया हमारा आंसर, है ना। ये वाला चीज आपको माइंड में पहले निकालना पड़ेगा, ये क्या चीज बना रहा है, किस तरह से ये हो रहा है। इसमें 3 देखिए सब में कॉमन आ रहा है ना, और इसके साथ में 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये वाला रफ वर्क होगा, ये आपको करना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको इतना सा लिख देना है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए हो गया ना, ये पहला वाला हमने कर लिया कंप्लीट, पहले वाले में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरे वाले को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऐसे है, ये वाला 2, फिर यहाँ पर 4, फिर ये वाला हमारे पास है 8,
फिर ये वाला 16 और यहाँ पर ये वाला 32। अब इस वाले को अगर मैं करके देखता हूँ, इस वाले को अगर मैं करके देखता हूँ, तो यहाँ पर ये यह हमारा क्या बन रहा है, ध्यान से देखिए। इस वाले को देखिए, इस वाले को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले को अगर मैं लिखूं यहाँ पर 2 into 1 तो चलेगा, ये वाला 2 into 2 ये भी चलेगा, लेकिन 2 into 3 लिखूं तो 3 2 6 हो रहा है, यहाँ पे 8 है, तो ये नहीं चलेगा। इसका मतलब ये जो हम सोच रहे हैं ये गलत सोच रहे हैं। फिर सही क्या होगा, अब यहाँ पे हमें एन लेना है, तो यहाँ पे ऐसे अगर मैं लिखूं 2 into 2 into 2 to the power, अगर यहाँ पे 1 ले लूँ, फिर यहाँ पे 2 to the power 2 ले लूँ, फिर ये वाला 2 to the power 3 ले लूँ, ये वाला 2 to the power 4 ले लूँ, और ये वाला 2 to the power 5 ले लूँ, तो हमारा काम बन जाएगा क्या, जरा चेक कीजिए, चेक कीजिए इसके बराबर में ये वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये वाला चीज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 जा 16, और ये 5 टाइम्स लेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16, और 16 2 जा 32, 5 टाइम्स में क्या आ रहा है, 32 आ रहा है। इसका मतलब ये वाला चीज हो रहा है। तो एन अगर मैं इसको मान लूँ एन ये वाला, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2 to the power n, यहाँ पे लिखेंगे एन इज द एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, एंड एंड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो ये हो जाएगा 1 less than equal to n, और यहाँ पे हो जाएगा ये वाला ऐसे ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है, तो ये वाला 5 लिख लेंगे। ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर हो गया पहला और दूसरा वाला, ये दोनों ही पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। कैसे हुआ था ये मैंने आपको ये करके दिखाया, ये वाला चीज आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये मतलब समझने के लिए था, मैंने आपको यहीं पर समझाया है, क्लियर हो गया। आकाश इस बार तो क्लियर हो गया होगा, चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं, आप समझ गए ना। तो चलिए अब ये तीसरा वाला करना है, तीसरा वाला आपको करना है, थर्ड वाला यहां पर लेते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा सा इसी जगह पर लेंगे, थर्ड वाला थर्ड यहीं पर लेते हैं, तीसरा इस जगह पर लेते हैं, क्या हमारे पास, ये देखिएगा ध्यान से, ये है 5, फिर ये वाला 25, फिर ये वाला 125, और ये वाला 625। इसके भी लक्षण इसी के जैसा लग रहा है, देखिए 5 to the power 1, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 to the power 2, ये वाला हो जाएगा 5 to the power 3, और ये वाला हो जाएगा 5 to the power 4। आप चेक कर सकते हैं ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो ये ऐसे लिख देना एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 5 to the power n, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कैपिटल एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, एंड यहां पर हो जाएगा ये वाला, हमने कहां से 1 से 4 तक लिख रखा है, तो 1 less than equal to n, और यहाँ पे लेस देन ये हो जाएगा हमारे पास 4। यहाँ पे इक्वल टू जैसे डालते हैं तो मतलब 4 तक, अगर हमने सिर्फ लेस देन करा तो यहाँ 5 लिखना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, देख लीजिए हमने 3 कर लिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, अगर आपने नोट कर रहे हैं तो ठीक है। तो आगे की तरफ चलें, रेडी सभी लोग, चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ पार्ट लेंगे। तो हमने थर्ड पार्ट तक कर लिया पिछले स्लाइड में, इस स्लाइड में हम लोग आ रहे हैं, तो यहां से हम लोग करेंगे ये वाला फोर्थ पार्ट, ये यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारे पास है 2 4 6, 2 4 और 6 ये दिया हुआ है हमारे पास, 2 4 6, तो यहां पर ले लेते हैं फोर्थ, और यहां पर लिख लेते हैं ये वाला 2 4, और ये वाला 6, और यहां पे ऐसे दे रखा है, ऐसे का मतलब क्या हो गया, ये इनफिनाइट तक जाने वाला है,
तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू, इस नंबर की प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, दो के बाद चार, चार के बाद छह, तो ये अगर ध्यान से देखें तो ये आपको इवन नंबर नजर आ रहा होगा, दो चार छह आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस तीस बत्तीस चौंतीस छत्तीस, ऐसे करते चले जाएगा कहां तक, इनफिनाइट तक चले जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे ऐसे, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर। कैसा इवेन नंबर है, तो इवेन नेचुरल नंबर है। तो यहां पर हमने ये लिख लिया इवेन नेचुरल नंबर, खत्म हो गया ये वाला। चलिए अब इसके बाद हम लोग ये पांचवें की तरफ चलते हैं, पांचवा यहां पर देखते हैं, इसमें कुछ था नहीं, तो पांचवें में देखते हैं क्या है। ये वाला थोड़ा सा लग रहा है कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा, तो पहले देख लिख लेते हैं वन फोर, फिर ये वाला नाइन, और फिर यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स मतलब सो ऑन, और ये चलेगा लास्ट हंड्रेड तक। इसका मतलब ये बीच में क्या है, ये नंबर्स गैप है, तो ये मतलब इसके बीच के नंबर्स हैं। तो अगर आप इस वाले को ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखते हैं, तो ये हमें मिलने वाला है ऐसे, ये मिलने वाला है वन के ऊपर पावर, अगर मैं टू ले लूँ तो ये पहला वाला निकल के आएगा, ये फोर के ऊपर फोर है तो ये टू के ऊपर पावर टू ले लूँ तो दूसरा वाला निकल के आ जाएगा, ये वाला नाइन है तो थ्री के ऊपर पावर ले लूँ तो थ्री थ्री या नाइन ऐसे हो जाने वाला है। इसी तरह से आगे ये सो ऑन करते चलेंगे, और ये वाला दस के ऊपर पावर अगर मैं दस ले लूं तो गलत गलत हो गया, गलत हो गया, कहां पे गलत हो गया, ये यहां पे गलत हो गया, एक्चुअली थ्री के ऊपर पावर टू लेना है, थ्री के ऊपर पावर टू लेना है, थ्री थ्री या नाइन, यहाँ पे थ्री थ्री या नाइन हो जाएगा। इसी तरह से टेन टेन या हंड्रेड हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया हमारा, जी हाँ देख लीजिए मैंने बना लिया एक्चुअली, हाँ कर लिया। तो ऐसे हो जाएगा वन के ऊपर पावर टू, टू के ऊपर पावर टू फोर, थ्री के ऊपर पावर थ्री नाइन, और टेन के ऊपर पावर टू क्या हो जाएगा, हंड्रेड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला हमारे पास नेचुरल नंबर आ रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यहाँ तक आ रहा है, और ये वाला पावर टू हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे ऐसे, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन टू दी पावर टू, एन टू दी पावर टू यहां पे हो जाएगा, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड एंड क्या हो जाएगा, वन क्या हो जाने वाला है, लेस देन इक्वल टू एन, और यहां पे ये हो जाएगा ये वाला लेस देन इक्वल टू, कहां तक है लास्ट, ये कहां तक जा रहा है, टेन तक जा रहा है, तो ये वाला हो गया टेन, और ये हो गया हमारा आंसर, ये हमने बना लिया जी, ऐसे कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर हमारा हो गया कंप्लीट। अब आप देख लीजिए, अगर आपको कहीं डाउट है तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग लाइव क्लास में हैं और हम लोग चर्चा कर सकते हैं, क्या कहते हैं। चलिए वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, यहां पर आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको आपको लिखना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेट, जो भी है यहां पर उसको आपको लिखना है। तो ये पहला वाला पांचवें का फर्स्ट बनाते हैं, फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। क्या हमारे पास a इक्वल टू x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, तो ऐसे लिख लेंगे ऐसे, यहां पर a और ये इक्वल टू ऐसे, ओड नेचुरल नंबर कौन कौन सा हो जाने वाला है, ये हो जाने वाला है ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर, ये जाएगा वन थ्री फाइव सेवन नाइन, और ऐसे 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 कर देंगे ऐसे, और ये वाला ऐसे करके आपको ऐसे बंद कर लेना है। ये हो गया हमारे पहले वाले का आंसर, कुछ नहीं करना है, बस देखना है और सॉल्व कर देना है। दूसरे वाले के लिए लेते हैं, दूसरे वाले के लिए बी हमारे पास है, बी इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर इसके सारे एलिमेंट्स लिखना है, सच दैट इंटीजर, यहाँ पर देखिएगा ये माइनस वन अपॉन टू, यहाँ पर माइनस वन अपॉन टू, और यहाँ से ऐसे करके ऐसे दे रखा है, और ये x और ये वाला 9 अपॉन में 2, इसके बीच का इंटीजर लिखना है आपको, इसके बीच का, तो माइनस वन अपॉन टू का मतलब हो गया माइनस जीरो पॉइंट फाइव, और ये वाला हो जाएगा 4.5,
इसका मतलब हो गया हमारे पास 4.5। इसके बीच का नंबर आपको लिख लेना है, बीच का नंबर, और वो कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर होता है। तो यहाँ पे 0.5, इससे क्या हो जाएगा, इसके आगे वाला हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। इसके बीच में ये चार नंबर आ जाएंगे ना, ये चार नंबर क्या हो जाएंगे, चार नहीं, ये पांच नंबर आएंगे इसके बीच में। तो यहाँ पे लिख लेंगे 0, ये हो गया 1, ये वाला 2, ये 3 और ये वाला 4, और ये हो गया हमारा आंसर। देख लीजिए, ऐसे कर देना है। क्लियर हो गया? चलिए अब तीसरे वाले के तरफ चलते हैं। तीसरा वाला देखते हैं क्या हमारे पास, दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरा देखते हैं सी। यहां पे दे रखा हमारे पास, इसका एलिमेंट्स लिखना है। यहां पे क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। यहां पर देखिएगा, मैं इस जगह पर कर लेता हूं, क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू ये वाला 4। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सेट कर लेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मैं इसको 4 ऐसे बना लेता हूँ क्योंकि लेस देन इक्वल टू भी दे रखा है इसलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2। एक्स इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, यहाँ पे हो जाने वाला है प्लस माइनस 2। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ ये वाला, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे प्लस माइनस 2 कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे माइनस के 2 से स्टार्ट करूँ लिखना, माइनस 2, फिर ये वाला माइनस 1, फिर ये वाला 0, ये वाला हो जाएगा 1 और ये वाला 2। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखता हूँ तो ये क्या होना चाहिए, इससे क्या होना चाहिए, यहाँ पर इससे ये, या तो इससे छोटा होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो आप अगर देखेंगे तो नंबर लाइन पे ये वाला जो नंबर है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो सेट बनेगा, ये वाला सेट क्या होगा, इस वाले का हमारे पास वो आ जाने वाला है, ठीक है। अगर आप माइनस टू के ऊपर पावर 2 डालेंगे तो ये वाला 4 हो जाएगा, माइनस 1 के ऊपर पावर अगर 2 डालेंगे तो ये वाला हो जाएगा 1, जो कि लेस देन 4 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से आप जो भी करेंगे वो आपका होता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये वाला हमने ऐसे आपको रफ सॉल्यूशन दिखाया। तो हमारे पास ये नंबर आ चुका है, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और ये वाला 2, ये हमारा हो गया आंसर। आप इसमें से किसी का भी स्क्वायर कीजिए तो वो या तो 4 होगा या तो 4 से कम होगा। ये दोनों 4-4 होने वाले हैं और ये तीनों 4 से कम होने वाले हैं। इसके अलावा कोई सा भी नंबर अगर आप लेंगे, माइनस 3 के ऊपर भी पावर 2 डालेंगे तो ये 9 हो जाएगा, जो कि ग्रेटर देन 4 हो जा रहा है, ग्रेटर देन 4 हो जा रहा है ना, मतलब कि 9 नॉट लेस देन 4 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि ये वाला गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा, ये हो जाएगा थर्ड वाले का आंसर। ये समझ में आ गया, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट था, थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे के तरफ चलते हैं, थर्ड हो गया हमारा कंप्लीट। तो अब हम फोर्थ के तरफ चलेंगे, यहीं पर मैंने ले रखा है दूसरा स्लाइड और यहां पर हमने फोर्थ यहां पे करना है। थर्ड तक हमने पिछले स्लाइड में कर लिया था, अब यहां से फोर्थ करने वाले हैं, फोर्थ से स्टार्ट करेंगे। अब यहां पर हमारे पास फोर्थ मैं ऐसे लेता हूं और ये डी इक्वल टू, देखिए अब इसके बीच इसके सारे एलिमेंट्स लिखने हैं हमें। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन वर्ड लॉयल, लॉयल में कौन कौन से वर्ड यूज किए गए, एल ओ वाई और ए। एल डबल रिपीट हो रहा है तो नहीं लेंगे, एल ओ वाई और ए, बस इतना ही लेना है और इसके बाद वाला नहीं लेंगे। आपको पता है कि हम जब इस तरह से लिखते हैं तो वहां पर उस वाले को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब चलिए ये हो गया, अब यहाँ पे हम लोग पांचवा लेते हैं, पांचवा लेंगे तो यहाँ पर ई यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाने वाला है, X सच दैट X इज द मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डे। अच्छा कौन कौन से मंथ में 31 डेज नहीं होता है, तो आपको ये वाला पता है ना, ये जो ऐसे आपने सीख रखा होगा, ये ऊंचा जो ऐसे होता है ना, ये ऊंचे वाले में 31 डेज और जो गड्ढा वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं 30 डेज या फिर 30 से कम डेज 28 डेज। जैसे यहाँ पे पहला हो गया जनवरी, दूसरा हो जा रहा है फरवरी, फरवरी हमारा आ जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग फरवरी लिख लेंगे। यहाँ पे जिसमें 31 डेज ना हो ऐसा, तो पहला हमने फरवरी लिख लिया, फिर यहाँ पे देखिए मार्च नहीं होगा, अप्रैल, अप्रैल लिख लेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पे मई नहीं होगा, जून होगा, जून लिख लिया, है ना। जुलाई और अगस्त में 31 डेज होता है, जुलाई अगस्त, यहाँ पर सितंबर लिख लेंगे। सितंबर के बाद अक्टूबर में 31 होता है, नवंबर में 30 होता है, नवंबर, और ये हो गया हमारा ऐसे।
हाँ ये रोस्टर फॉर्म है, एक्चुअल में हमें इसके एलिमेंट्स लिखने हैं तो हमने इसके एलिमेंट्स ऐसे लिखने हैं। बात बराबर है, रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स सेम चीज होता है। आपको इस तरह से कंफ्यूज करके क्वेश्चन थोड़े पूछे जा सकते हैं, ये वाला इसका आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर, इसके सारे एलिमेंट्स, ये सारे इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, इसका एलिमेंट्स अगर आप यहाँ पे ऐसे करके लिखें तो डायरेक्ट ऐसे करके लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख लिया, ये वाला हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद वाला, ये सिक्स्थ वाला देखते हैं क्या होने वाला है। सिक्स्थ हमारे पास फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, 2, 4, इन 5 महीनों में क्या होते हैं। 5 महीनों में 30 डेज या 30 से कम डेज होते हैं, और 7 महीने ऐसे होते हैं जिसमें कि 31 डेज होता है। आपको पता ही है, जनवरी से स्टार्ट होता है, जनवरी में भी 31 होता है और लास्ट दिसंबर में भी 31 होता है, और बीच में जो है जुलाई और अगस्त दोनों में 31 31 होता है। इसके कारण से 7 दिन उधर चले, 7 महीने उसमें चले जाते हैं और 5 महीने इसमें आ जाते हैं। अब ये वाला देखते हैं, एक्स क्या कह रहे हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले वाले सारे अल्फाबेट्स जो कि क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। तो कॉन्सोनेंट लेना है तो इसमें आपको के से पहले वाला लिखना है, लेकिन वॉवेल नहीं लिखना है। तो बी से स्टार्ट करेंगे, पहला वाला हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा सी, फिर ये वाला डी, ई नहीं लिखना है आपको, एफ, फिर ये वाला जी, फिर ये वाला एच, फिर आई नहीं लिखना है यहाँ पे, जे, और आपको के भी नहीं लिखना है, क्योंकि के से पहले पहले वाले लिखने के लिए कहे जा रहे थे, के से पहले पहले लिखने के लिए, के से पहले वाले लिखने के लिए कहे जा रहे थे, तो हमने लिख लिया। ठीक है, आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कैपिटल में लिखना है, यहाँ पे स्मॉल दे रखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी डी ई आ सॉरी एफ 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 ई नहीं लिखना है, एफ लिखना है। देखिए फ्लो में चले जाता है, आप भी ऐसा कर सकते हैं, आपको नहीं करना है। एफ जी एच और जे, आप दोनों में से कुछ भी लिखेंगे दोनों ही सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा 5 कंप्लीट, उम्मीद है ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। ये मैचिंग मैचिंग है, मैचिंग करना है आपको। क्या कह रहा है, मैच द मैच द मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट। मैचिंग करना है तो देखिए 1 2 3 6, 1 2 3 6, ये क्या आ रहा है, 1 2 3 और इसके बाद 6 डायरेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, आ, 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 एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो ये वाला, तो ये पहले वाले का तो प्राइम नंबर और 6 का डिवाइजर होगा, तो ये इससे मैच करेगा ऐसे, ये वाला और ये वाला मैच करेगा, और ये वाला उसके बाद देखिए क्या कह रहा है। एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये वाला कहाँ पर आ रहा है, ये वाला आ रहा है इस वाले के साथ ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये और ये मैच कर रहा है हमारा, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 1 3 5 7 और ये 9 ओड नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये तीसरा वाला पढ़ते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर अ डिवाइजर ऑफ 6, 6 को डिवाइड करने वाला, तो और वो नेचुरल नंबर भी होगा, तो सिर्फ ओड नंबर की बात नहीं हो रही है, इवन नंबर की बात नहीं हो रही है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है। तो इस वाले का ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट वाला जो बचेगा मैथमेटिक्स, तो वो कॉमन सेंस है, ये वाला हो जाएगा। मतलब पहले वाले का क्या हो गया, ऐसे कर लेते हैं, फर्स्ट वाले का हमारे पास आ रहा है, फर्स्ट वाले का आ रहा है सी, फर्स्ट का सी, सेकेंड का हमारे पास आ रहा है, सेकेंड का आ रहा है ए, और थर्ड का आ रहा है हमारे पास, थर्ड का आ रहा है हमारे पास डी, और फोर्थ का आ रहा है हमारे पास, फोर्थ का आ रहा है हमारे पास बी। तो ये हमने कर दिया जी मैचिंग, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्या कह रहे हैं राजवीर,
रॉन्ग मेथड यू आर अप्लाइंग, कहां पर रॉन्ग मेथड हो गया जरा बता दीजिए, मैं भी सीख जाऊंगा इसमें क्या है। तो ये हमने पूरा एक का पूरा एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया आज। कल सेम टाइम आपके लिए क्लास रहेगा, कल नहीं रहेगा, कल संडे है, मंडे को फिर एक क्लास रहेगा आपके लिए सेम टाइम सुबह 9 से 10, और उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। आज हमने 1.1 कंप्लीट कर लिया, कल हम लोग परसों जो है मतलब मंडे को 1.2 कंप्लीट करेंगे, और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपका पहले एनसीईआरटी जितना जल्द होगा उतना जल्द कंप्लीट करा दें, और फिर आपके लिए हम आरडी शर्मा स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम आपको कई बुक कराने वाले हैं इस साल के अंदर अंदर, और जो आपने क्लास 10th में जो आपकी कमी रहेगी वो यहाँ पर हम पूरा करेंगे, और लाइव क्लासेस लेंगे, लाइव क्लासेस लेंगे जिसमें कि आपके पास जो भी लाइव जो भी आपको डाउट रहेगा आप वो हमसे पूछ पाएंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पर करेंगे, एंड आपने क्लास देखा है इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सभी प्यारे प्यारे बच्चों को हमारे तरफ से बाय।